हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया टीम जुलोजी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड सेशन टेस्ट सीरीज़ का सेवेंथ पेपर जिसमें जेनेटिक्स के फोर्टी फाइव क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे उम्मीद है आपका अच्छा पेपर हुआ होगा फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसके थ्रू जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं क्लियर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन वन जीरो वन मैंडल फाउंड दैट द एफ वन ऑलवेज रिजेंबल्ड एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट नॉट सीन इन देम दिस इज ड्यू टू दोनों ट्रेट में से दोनों पेरेंट के ट्रेट में से एफ वन जनरेशन में ओनली वन पेरेंट की ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रही है इट मीन्स किसके कारण पॉसिबल है ये डोमिनेंस के कारण क्लियर जो इसके बेस पर मेंडल ने फर्स्ट लो दिया था लो ऑफ डोमिनेंस तो ये डोमिनेंस के कारण जो है वो होगा जिसमें जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ही ओनली में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी क्लियर तो क्या कारण होगा इसका आंसर होगा सेकेंड डोमिनेंट ट्रेट क्लियर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द एल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन एफ टू जनरेशन दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन देश ऑफ क्लियर जैसे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस द एल डू नॉट शो एनी ब्लैंडिंग इट मीन्स टू एलिल्स हैं इन टू एल्स में किसी भी तरह की ब्लैंडिंग ये इसमें पॉसिबल नहीं है सपोज दैट टू एल्स कैपिटल टी स्मॉल टी कोई ब्लैंडिंग नहीं हो रही आगे देखा एंड दैट both the characters are recovered as such in f2 generation this statement is explained on the basis of f2 generation mein dono apne aap ko express kar rahe hain it means kya ho raha hai yahan capital t small t segregate ho gaye तो ये segregation होने के कारण इसमें कोई blending नहीं हो रही है Blending without blending के ये एक दूसरे के साथ दोनों trait के जो alleles है वो segregate हो रहे हैं ये आगे क्या करेंगे एफ टू जनरेशन जो इससे आएगी उसमें क्या रहेंगे कैपिटल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्माल ये एफ टू जनरेशन में क्या होगा यहाँ एफ टू जनरेशन के अंदर जो है वो दोनों टाइप की जो ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है रिकवर्ड एज सच इन एफ टू जनरेशन दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन बेसिस ऑफ किस बेसिस पर ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन होता है इसका कारण क्या है सेग्रीगेशन कि इनके अंदर जो यहाँ एफ वन जो थी उसके दोनों एल एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट होंगे और एक दूसरे से सेग्रीगेट होने के बाद इनमें क्या रहेगा सेग्रीगेशन के बाद जो है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और नेक्स्ट जेनरेशन में दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे क्लियर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड सेग्रीगेशन क्लियर उसके बाद नेक्स्ट वन जीरो द मोडिफाइड एल इज इक्विवेलेंट टू द अन एल इट प्रोड्यूस एक रूपांतरित एलील ए एलील के समान होता है इसका मतलब कब उसको अरूपांतरित एलील के समान मानेंगे जब दोनों के दोनों जो गेमिट है वो दोनों कैसे होते हों दोनों एलील जो है वो जैसे एक कैपिटल टी है दूसरा कैपिटल टी हो तो दोनों में से एक एलील जो है वो कैसा है एरूपांतरित एलील होता है दूसरे एलील में जो है वो तीन तरह के मॉडिफिकेशंस पॉसिबल होते हैं कौन कौन से या तो ये कोई एंजाइम फॉर्मेशन नॉर्मल एंजाइम फॉर्मेशन करे तो कैसा रहेगा इसके जैसा रहेगा एरूपांतरित एलिल या अनमोडिफाइड एलील के जैसा या फिर ये एलील जो है वो आगे कोई एंजाइम फॉर्मेशन ही नहीं करे स्मॉल टी या फिर ये एंजाइम तो फॉर्मेशन कर रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्म कर रहा हो तो भी क्या रहेगा टी तो ये जो आप देख रहे हैं वो तो क्या है

इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट वट विल बी द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन केस ऑफ बॉडी कलर एंड आई कलर इन ड्रोसोफिला। इसके अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा है कि मॉर्गन ने बॉडी कलर और आई कलर के अकॉर्डिंग जो उनके बीच क्रॉस करवाया तो इनके अंदर आपने देखा बॉडी कलर और आई कलर के अकॉर्डिंग फीमेल ड्रोसोफिला और दूसरी इसमें मेल ड्रोसोफिला तो फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा आई कलर लिया ये इनके अंदर जो है वो वाई डब्लू वाई डब्लू और ये कौन से ले लिए इन्हें वाई प्लस डब्लू प्लस तो ये वाइट विंग्स तो ये इसमें येलो विंग्स एंड वाइट आइज तो येलो विंग्स एंड वाइट आइज है इनका क्रॉस करवाया इन्होंने ग्रे विंग्स एंड रेड आइज के साथ इनके साथ जब इन्होंने क्रॉस करवाया तब इनमें एफ वन जो जनरेशन आती है वो एफ वन जनरेशन तो कैसी आएगी एफ वन जनरेशन इसमें हाइब्रिड जनरेशन आएगी कौन सी वाई प्लस डब्लू प्लस एंड वाई डब्लू क्लियर इसके बाद जो एफ टू जनरेशन आती है उस एफ टू जनरेशन में क्या रहेंगे कुछ इनके अंदर जो है वो पेरेंटल टाइप आएंगे और कुछ रिकॉम्बिनेंट टाइप आएंगे तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इस टाइप का वाई डब्ल्यू जी इनकी करवाई थी उसमें मैक्सिमम जो इंडिविजुअल आ रहे हैं मैक्सिमम जो प्रोजेनी आ रही है वो कैसी आ रही है पेरेंटल टाइप और 1.3 परसेंट जो है वो इनमें कैसी आती है रिकॉम्बिनेंट टाइप इसका मतलब पेरेंटल टाइप जो प्रोजेनी है वो 98.7 परसेंट जो है वो पेरेंटल टाइप प्रोजेनी आती है 1.3 परसेंट जो है वो इसमें कैसी आएंगी वो इनमें रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी आती है तो कितनी आएंगी इनमें वन जो प्रोजेनी है वो कैसी आएंगी रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी नाइनटी एट पेरेंटल टाइप प्रोजेनी क्लियर ये yes, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वन जीरो फाइव इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द ऑफ ऑफ सेक्स इज मोस्टली मैक्सिमम जो इंडिविजुअल इसमें इंसेक्ट हैं उन मैक्सिमम इंसेक्ट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का होता है एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो ये इनके अंदर क्या रहेगा जिसमें मेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोजोम जो है वो कम होता है जैसे किसी भी इंसेक्ट में जहां मान लो ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम है तो मेल में वहां ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम ही होंगे फीमेल में ट्वेंटी फोर होंगे तो मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम सॉरी मेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोजोम कम होगा वो था एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन से, क्लियर जिसमें फीमेल के अंदर तो एक्स एक्स क्रोमोजोम होगा और मेल जो होगा उसमें एक्स ओ क्रोमोजोम एक्स जीरो क्रोमोजोम कह सकते हैं जहां एक सेक्स क्रोमोजोम नहीं होता क्लियर तो ये इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका फर्स्ट जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद वन जीरो सिक्स विच सिम्बल ऑफ पैडिग्री इज करेक्टली मैचड इनमें से पेडिग्री का करेक्टली मैच सिंबल कौन सा होगा इनमें आप देख रहे हो फर्स्ट अन एफेक्टेड फीमेल अन एफेक्टेड फीमेल का नहीं है ये तो ये रॉन्ग हो गया तो अन फीमेल तो अन फीमेल का है या इफेक्टेड फीमेल है ये इनके अंदर जो है वो फीमेल का है ही नहीं किसका है ये सिंबल ये जो है वो मेल का सिंबल होता है और वो भी अनएफेक्टेड मेल दूसरा तरीका अफेक्टेड फीमेल ये फीमेल का सिंबल है लेकिन अफेक्टेड नहीं है अफेक्टेड कब होता है जब ये सैडेड होता डार्क होता है तो अफेक्टेड होता है ये कैसा है ये जो है वो अन है तो अनएफेक्टेड फीमेल है ये अफेक्टेड फीमेल नहीं है तो इनकरेक्ट हो गया अफेक्टेड मेल ऑफ ऑटोसोमल रेसे ऑटोसोमल रेसेसिव जीन के लिए अफेक्टेड ये भी नहीं होगा तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ये इनके अंदर जो है वो यहाँ डबल साइन लगे हुए हैं तो मैरिज बिटवीन रिलेटिव रिलेटिव के बीच मैरिज होती है तब तो डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं मेल फीमेल को और अनरिलेटिड होते हैं उनके बीच मैकिंग को शो करते हैं तो क्या करेंगे उसको उस कंडीशन में जो है वो मेल और फीमेल में सिंगल लाइन होंगी ये तो क्या होंगे अनरिलेटेड जो है वो होंगे अनरिलेटेड पेरेंट्स और ये कैसे होंगे रिलेटिव होते हैं पेरेंट्स क्लियर तो एक दूसरे के रिलेटिव मेल फीमेल के बीच क्रॉसिंग या मैटिंग हो रही है तो क्या कहेंगे उसको उस मैरिज को कहेंगे इस तरीके से शो करेंगे ठीक है तो करेक्ट क्या जाएगा इसका फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन वन जीरो सेवन है गिवन पैडिगरी चार्ट शो इन हेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल ट्रेट फॉर सिकल सेल एनीमिया देन वट विल बी दीनो टाइप ऑफ पेरेंट उस कंडीशन में क्या देख रहे हैं दिया गया वंशावली चार्ट ऑटोसोमल है प्रभावी विशेषक की वंशागति को दर्शाता है जो सिकल सेल एनीमिया है इनमें से तो जनकों का जीनो टाइप क्या पॉसिबल है क्या जीनोटाइप पॉसिबल है देखिए यहाँ अन है यहाँ अनएफेक्टेड है दोनों ही अनएफेक्टेड है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और अगली जनरेशन में अफेक्टेड आ रहे हैं इसका मतलब क्या चीज पॉसिबल है यहां एक में अनएफेक्टेड है लेकिन अगली जो जनरेशन आ रही है इसमें ये फर्स्ट मान लें और इसमें, इसमें इसको फर्स्ट जनरेशन इसको सेकंड जनरेशन और इसको थर्ड जनरेशन अगर अपन माने तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है उसके बाद सेकंड जनरेशन में अफेक्टेड आ रहे हैं इट मीन्स रेसेसिव ट्रेट है ये तो रेसेसिव ट्रेट में इसमें नहीं शो कर रहा अपने आपको लेकिन इसमें आ रहा है इसका मतलब ये कैसे हो सकते हैं कैरियर होंगे और कैरियर पेरेंट्स जो है इसका मतलब क्या पॉसिबल है कि कैरियर पेरेंट अगर है तो उस कंडीशन में ये जैसे मान लो ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर का मान सकते हैं ये कंडीशन हो ये इनके अंदर जो है वो अफेक्टेड दो आ रहे हैं वो कब कंडीशन में किस कंडीशन में पॉसिबल है या तो ये अगर मान लो ये पूरी तरीके से एस हो तब तो ये इफेक्टेड होता डोमिनेंट होता है तो ये तो इसमें ये कैरेक्टर नहीं आने चाहिए थे अगर ये पूरी तरीके से होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये पूरी तरीके से होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो, होता तो इनके अंदर ये कंडीशन नहीं आती यहां इसका मतलब जो है वो क्या हुआ दोनों हेट्रोजाइग पेरेंट है दोनों पेरेंट जो है वो कैसे रहेंगे पेरेंट होंगे। इससे क्या आना चाहिए अगली जनरेशन में जहां जहां ये कैपिटल ए कैपिटल हो गया इसका मतलब ये जो है वो कैसे होंगे स्मॉल ए स्मॉल ये जनरेशन अनफेक्टेड आ रही है ये कैसे होंगे ये इसके अंदर जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं और ये इफेक्टेड आ रही है तो स्मॉल ए स्मॉल ए और ये कैसे रहेंगे ये कैपिटल ए ए स्मॉल हो सकते हैं समझे? इस टाइप से जो है वो ये इनके अंदर कैपिटल ए कैपिटल हो सकते हैं या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं इसका मतलब इनमें पेरेंट्स का जो जीनो है वो क्या आना चाहिए फादर और मदर जो है वो दोनों का ही जीनो जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तब अगली जनरेशन है वो इफेक्टेड आएगी क्लियर तो ये इसमें थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देखें 108 ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एक्ट्रोजाइगस फॉर थ्री लोकाई कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो थ्री लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस है हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्री लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस है इट मीन्स एन की वैल्यू अपने पास है थ्री क्लियर इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान होगा नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए एक फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ गैमेट्स तो नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है टू की पावर एन होता है नंबर ऑफ गैमिट्स के लिए टू की पावर एन जो है वो फॉर्मूला लगेगा और टू की पावर एन है तो टू की पावर एन की वैल्यू क्या है थ्री एन की वैल्यू थ्री है तो टू की पावर थ्री इसका मतलब गैमिट्स कितने बन जाएंगे एट गैमिट्स बन जाएंगे इसमें क्लियर तो ये इसमें इस टाइप से इसको निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर वन जीरो नाइन वेन ए क्रॉस इज मैड बिटवीन इसमें क्वेश्चन देखिए वेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टोल प्लांट विद येलो सीड टी टी वाई वाई एंड टोल प्लांट विद ग्रीन सीड बट प्रपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफ स्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी टोल एंड क्रीन क्या कहते रखा है क्रॉस जो करवा रहे हैं वो किस किस के बीच क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई इनके बीच क्रॉस करवा रहे हैं इनमें पूछा क्या है? इनसे प्राप्त होने वाली संततियों में लंबे और हरे बीज वाले पादों का संभावित अनुपात क्या होगा तो लंबे और हरे का मतलब एक कैरेक्टर इसका और एक इसका कैरेक्टर तो सबसे पहले तो इनके अंदर जो है वो मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग जो है वो इनका देखें तो इनमें फिनोटाइप के अकॉर्डिंग पूछा है लंबे और हरे का मतलब फिनोटाइप पूछा इसमें तो फिनोटाइप पहले मोनोहाइब्रिड के एक एक के फिनोटाइप के अकॉर्डिंग आप ले लें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है इनका एक इनका क्रॉस करवाओगे तो इनमें एफ टू जो जनरेशन आएगी उसमें रेशियो क्या आता है थ्री टोल एंड वन जो है वो इसमें डॉर्फ होगा तो थ्री टोल वन ड्वार्फ होगा और इनका क्रॉस अगर करवाओगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई इसमें जो क्रॉस आए करवाओगे तो क्या आएंगे ये वन वन का रेशियो होगा क्योंकि इसका मतलब जो है वो क्या हो गया ये हेट्रोजाइगस है ये रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर करवा रहे हैं इस टाइप से तो रेशियो आता है आपको ध्यान होगा वन वन का रेशियो आता है समझ आगे तो ये वन वन के रेशियो में आएंगे वन जो है वो कैसा होगा वन येलो होगा और वन ग्रीन होगा ठीक है तो यहाँ तो रेशियो जो है वो ग्रीन का रेशियो कितना आएगा वन कितने में से फोर में से तो यहाँ जो है इसमें में से टू आएंगे तो फोर में से टू आएंगे मीन्स वन बाई टू और यहां कितने आ रहे हैं थ्री बाई फोर आ रहे हैं तो टोल की जो प्रोबेबिलिटी है टोल की प्रोबेबिलिटी है वो थ्री बाई फोर है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई टू है फोर में से टू ग्रीन और टू ये लोग है तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू इसकी प्रोबेबिलिटी टोल की प्रोबेबिलिटी थ्री बाई फोर है अब इनमें इसको क्रॉस करवाओगे तो कितने आएंगे थ्री बाई एट परसेंटेज में अगर इसको लोगे तो थ्री बाई एट को परसेंटेज में लोगे तो कितने आने चाहिए ये इनमें ट्वेंटी फाइव टू फोर से करेंगे इसको तो ये आ जाएंगे ये सेवेंटी फाइव बाई टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएगा इसका थर्टी फाइव पॉइंट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट क्लियर इस टाइप से आपको दोनों के मोनोहाइब्रिड के प्रोबेबिलिटी लेनी है आपको इसको मोनोहाइब्रिड इसका मोनोहाइब्रिड लेके देख लो तो इसके अंदर टोल प्लांट आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी थ्री कितने में से फोर में से तो थ्री बाई फोर इसमें ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वन बाई टू तो ये वन बाई टू थ्री बाई फोर इनको मल्टीप्लाई कर दो कितने आ जाएंगे थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएंगे क्लियर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ठीक है उसके बाद आप देखें वन अंडर टेन ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज दैट हैविंग ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है वो किसके लिए आती हुई जहाँ कंटिन्यू जो है वो किसी भी पेरेंट के अंदर बार बार जो है वो अगर सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हो या कंटिन्यू थ्री फोर जनरेशन तक सेल्फिंग करवा रहे हो तब उस कंडीशन में जो है वो क्या कहेंगे उसको ऐसी कंडीशन में वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज दैट हैविंग सेल्फ पोलिनेशन लगातार अगर वो सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू अगर प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है जिससे क्या होती है प्योर लाइन ट्रेट जो है वो इससे ओपटेन कर सकते हैं क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा उसके बाद देखें वन हंड्रेड इलेवन रिगार्डिंग टू पेयर ऑफ डोम एंड रेसेसिव रिस्पेक्ट रिसेसिव ट्रेट रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोविंग कॉम्बिनेशन इज रोंग इनमें से रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो है उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है क्या दे रखा है रिगार्डिंग टू पेयर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट डोमिनेंट और रसेसिव ट्रेट जो है उसके रिगार्डिंग अपने को ये लेना है और देख रख देखिए क्वेश्चन में साथ में ही दे रखा है कि इनके रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोविंग कॉम्बिनेशन इज रोंग तो इनमें ये डोमिनेंट ट्रेट है सही है ये रेसेसिव ट्रेट है तो ये अपने आप में सही है पोर्ड सेप के लिए इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है रेसेसिव है ये भी करेक्ट है फ्लोवर कलर के लिए वॉलेट कलर डोमिनेंट है व्हाइट कलर रेसेसिव है ये भी करेक्ट है पोर्ड कलर के लिए येलो कलर ये रेसेसिव होता है ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है सीड कलर के लिए उल्टा होता है पैन होगा आपको पी प्लांट के अंदर जो सीड कलर है सीड कलर में येलो डोमिनेंट है ग्रीन रिसेसिव है लेकिन पोड कलर में पोड कलर में क्या होता है पोड कलर के अंदर ग्रीन डोमिनेंट होती है येलो रिसेसिव है क्लियर तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये रॉन्ग हो जाएगा येलो ग्रीन क्लियर समझ में आ गई बात तो इनके अंदर ये तीनों सही है चौथा जो है वो इसमें गलत है पोड कलर के लिए येलो ग्रीन है वो इसमें रोंग है क्योंकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट होता है और येलो होता है क्लियर तो ये इसमें फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये इसमें फोर्थ हो जाएगा क्लियर उसके बाद वन ट्वेल्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनो टाइप ऑफ ऑबस्प्रिंग इन ए जेनेटिक रोसेस नॉन एज क्या कहेंगे उनको ऑल पॉसिबल जीनो को कोई भी क्रॉस करवा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस ट्राईहाइब्रिड क्रॉस तो किसी भी मोनो डाई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसका है, जो है वो जो भी संभावित जीनोटाइप आ रहे हैं जो भी पॉसिबल जीनो आते हैं इनके उन पॉसिबल जीनो को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या स्क्वायर बोर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करना उसको क्या कहेंगे पनेट स्क्वायर क्योंकि सबसे पहले इनको जो है वो स्क्वायर फॉर्म में जो है वो डब जो रिप्रेजेंट किया था वो डब्ल्यू सी ए इसमें आर सी पोनेट ने किया था और आर सी पोनेट ने किया था इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया पोनेट स्क्वायर नाम क्लियर सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखें वन हंड्रेड थर्टीन इनकम्प्लीट डोमिनंस कैन बी सीन इन इनकम्प्लीट डोमिनंस किन में देखा जा सकता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैन बी सीन इन फ्लोवर कलर इन मेरेब्लिस जिला करेक्ट है फ्लोवर कलर इन पाइसम सेटाइवम ये फ्लोवर कलर इन पाइसम सेटाई में गलत है पाइसम सेटाई में फ्लोवर कलर जो है वो तो क्या करेगा या तो वेलेड शो करेगा या फिर उसमें वाइट शो करेगा इसका मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं साइज ऑफ स्टार्स ग्रेन इन पी ये भी करेक्ट है तो बोथ वन एंड थ्री फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें एक चीज आप ध्यान रखें पी प्लांट के अंदर जो सीड है सीड में स्टार्स ग्रेन की जो साइज है वो तो इनकम्प्लीट डोमिनस को शो करती है स्टार्च ग्रेन की साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करती है और इसमें सीड की जो साइज है वो किसको को डिपेंड ये सीड की जो साइज है वो किसको शो करेगी कंप्लीट डोमिनेंस को स्टार्स ग्रेन की साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और सीड सेप या सीड की जो साइज है वो कंप्लीट डोमिनेंस को शो करती है क्लियर तो ये इनमें फोर्थ आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद 114, 114 में विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड कम्स इन एग्जिस्टेंस थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस ये इनमें कौन सी रहेगी ये साहिवाल जो है एन में इस चैप्टर के स्टार्ट में ही जो है वो दिया हुआ है कि पहले से ही कुछ अपने जो एंसेस्टर्स थे उनको जेनेटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने कई तरह के आर्टिफिशियल सेलेक्शंस के थ्रू और एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो कुछ डिजायर्ड नई तरह की ब्रीड्स जो है वो एनिमल्स में तैयार करी थी और वो इन आर्टिफिशियल सेलेक्शन से और डोमेस्टिकेशन से जो एक एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ जो है उसको तैयार किया गया था वो कौन सी थी इनमें साहिवाल तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसके बाद आप देखें वन हंड्रेड फिफ्टीन इफ

उस कंडीशन में जो है वो इनमें कितने पॉसिबल जीनो हो सकते हैं तो इनके अंदर पॉसिबल जीनो मल्टीपल एलेल कंडीशन होगी ये मल्टीपल एलिल्स वाली कंडीशन है और मल्टीपल एलिल्स की कंडीशन में पॉसिबल जीनोटाइप के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ये इसके लिए फॉर्मूला होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है तो एन की वैल्यू क्या है फोर इंटू फोर प्लस वन बाई टू कितने हो गए टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव इजल टू टेन तो पॉसिबल कितने पॉसिबल है इसके टेन जीनो टाइप जो है वो पॉसिबल होंगे इसके क्लियर यहाँ तक ये इनमें मल्टीपल एलिल्स का केस है मल्टीपल एलिल्स का केस जहां भी होता हो वहां एक बात आप ध्यान रखें मल्टीपल एल के केस में अगर पॉसिबल जीनोटाइप निकालने हो तो पॉसिबल जीनोटाइप निकालने के लिए उनमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा अप्लाई करना आपको एन टू एन प्लस वन बाई टू तो एन की वैल्यू आपके पास क्या पूछ रहा है कि इसमें फोर एल फॉर्म है तो फोर एल फॉर्म है तो एन की वैल्यू फोर थ्री एल फॉर्म होती है तो थ्री होता है वैसे नेचुरली ध्यान है आपको एल के नंबर जो है वो ब्लड ग्रुप के लिए कितने होते हैं थ्री होते हैं थ्री होते हैं इसलिए वहां पॉसिबल जीनो टाइप सिक्स आता है क्लियर यहाँ थे लेकिन इसने पूछ लिया कि यहां अगर इसकी जगह फोर एल फॉर्म हो तो क्या जाएगा तो एन की वैल्यू थ्री की जगह क्या पुटअप कर दोगे फोर कर दें उसके बाद आंसर का जो है उसका टेन आ जाएगा क्लियर उसके बाद वन हंड्रेड सिक्सटीन वन हंड्रेड सिक्सटीन है मैंडल पब्लिश इज वर्क इन एटीन सिक्सटी फाइव बट इट रिमेंड एंड रिकोगनाइज टाइनटीन हंड्रेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इसके लिए कौन सा रीजन पॉसिबल कौन सा ऐसा रीजन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था जिसके कारण से नाइनटीन हंड्रेड तक वो अनरिकोग्नाइज है तो इसके लिए आप देखिए कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी ये सही है कम्युनिकेशन जो है वो उस टाइम तक इतना ईजी नहीं था जिसके कारण से वो पूरे चारों तरफ जो है वो उसका प्रचार प्रसार कर सकता दूसरा है हिज कंसेप्ट ऑफ जीन एज द स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई इज कॉन्टेप्रेरी एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन उस टाइम के जो उसके साथ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं और चीन जो है वो स्टेबल होते हैं ये भी करेक्ट है यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना उस बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो मैथेमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वो भी लोगों की समझ से बाहर था इन्होंने बताया थे कि इतने प्लांट ऐसे आ गए इतने प्लांट ऐसे आ गए इतने ऐसे आ गए तो वो मैथमेटिकली स्टेटिस्टिकल डाटा जो है वो लोगों की समझ से बाहर थे ये ऐसे कई कारण रहे थे जिनके कारण से मैंडल जो है वो उसके वर्क अनरिकोगनाइज रहा था यूज ऑफ इमेस्कुलेशन टेक्निक ये इसका कारण नहीं था अनरिकोगनाइज रहने का क्योंकि इमेस्कुलेशन टेक्निक से उसका कोई लेना देना नहीं था इमेस्कुलेशन टेक्निक तो एक जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट करने का एक तरीका था ताकि वो उसके सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन इजिली करवा सके सेल्फ पोलिनेशन को रोक के क्रॉस पोलिनेशन करवाना हो तो इमेस्कुलेशन करेंगे समझ में आएंगे तो ये उसके अनरिकोगनाइज करने में कोई उसका रोल नहीं था क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट वन हंड्रेड सेवनटीन पैर बिटवीन क्रोमोजोम एंड बिहेवियर ऑफ जीन वॉज एस्टेब्लिस्ड बाई क्रोमोजोम और जीन के बिहेवियर को एस्टेब्लिश करने में कौन सा साइंटिस्ट जो है उसका रोल रहा ये इनके अंदर जो है वो सटन एंड बोवेरी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जिसने कौन सी थ्योरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी क्लियर तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा उसके बाद आप देखें वन हंड्रेड एटीन सेलेक्ट ओल्ड वन आउट विद रेफरेंस टू लो ऑफ डोम लो ऑफ डोमिन से रिलेटेड जो है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन सा स्टेटमेंट इनमें सबसे अलग है तो ये इनके अंदर जो है वो क्या बताएंगे लो ऑफ डोमिन से रिलेटेड फैक्टर्स अकर इन पेयर्स सही है ये बात इन्होंने लो ऑफ डोमिनेंस में बताई थी कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं जो दोनों क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं ये बात उस टाइम नहीं बताई थी लेकिन इन्होंने फैक्टर्स के बारे में जरूर बताया था कि पेयर में होते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स इन्होंने फैक्टर्स को क्या बताया था कि वो डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में वो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये भी करेक्ट है इन एट्रोजाइगर्ट्स इन एट्रोजाइगोर्ट्स ओनली वन एल इज एक्सप्रेस्ड हेट्रोजाइगोट्स में जैसे मान लो हेटरोजाइगोट्स का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी हो उस कंडीशन में दोनों में से एक एली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जो इनमें से डोमिनेंट एलील होगा क्लियर यहाँ तक तो उसके अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है पेरेंट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गेमिट्स पेरेंट्स टू टाइप के गेमिट्स प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये बात तो यहाँ तक सही है लेकिन ये डोमिनेंस से रिलेटेड नहीं है डोमिनेंस के रिगार्ड में जो है वो ये बात नहीं कही गई थी ये क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है वो क्या करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी पेरेंट है वो जब गेमिट बनाएगा तो दोनों गैमिट्स या दोनों एलि है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका ये इससे रिलेट नहीं है तो ये फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर बात करें नेक्स्ट 119 इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगा इनमें से फर्स्ट ओनली वन एफ टू इनहेरिटेंस है सपोज दैट ये ए बी बी सी सी और एक है सी सी क्लियर इस टाइप से जो है वो इनके अंदर ये, ये निग्रो टाइप हो गए स्किन कलर के लिए पर ये एल्बिनो टाइप हो गया सारे के सारे रिसेसिव है एल्बिनो होगा सारे डोम डौ, इसमें डोमिनेंट है तो वो निग्रो होगा इससे एफ वन जो जनरेशन आएगी उसमें तो क्या आएंगे ये आ जाएंगे मलेटो ये इसमें मलेटो आएंगे एफ वन जनरेशन में उसके बाद एफ टू जनरेशन अगर लेंगे तो इनमें कई तरह के इंटरमीडिएट आएंगे जिनका रेशियो एफ टू में क्या रहेगा वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन ये रेशियो होगा तो ये इनके अंदर जो रेशियो आता है वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन तो ये आपको होगा कि इनके अंदर जो है वो इस तरह से ये टोटल सिक्सटी फोर आएंगे ट्राइब्रिड क्रॉस हो गया ना सिक्सटी फोर होगी अब सिक्सटी फोर के अंदर जो तो इनका रेशियो आएगा वो क्या रहेगा 1, 6, 15, 20, 15, 6, इसका मतलब इनमें से ये पूरी तरीके से निग्रो होगा जिसमें सारे सारे के होंगे तो सारे होंगे पूरी तरीके से निग्रो हो जाएगा ये अपने पेरेंट जैसा और एक लास्ट ये अपने पेरेंट जैसा होगा जो कैसा होगा एलबिन होगा कंप्लीट क्लियर अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होना चाहिए फर्स्ट में ऑप्शन में देखा है ओनली वन एफ टू इंडिविजल ओनली वन एफ टू इंडिविजल रिजेंबल्स द डोमिनट पेरेंट डोमिनट पेरेंट जैसा आगेगा करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका क्लियर बाकी देख लो आप दूसरे में देअ आर नो इंटरमीडिएट्स नो इंटरमीडिएट का मतलब गलत हो गया कई इंटरमीडिएट बनेंगे यहाँ ये ना तो एकदम निग्रो होंगे और ना ही एकदम जो है वो उसके एल्बिन होंगे तो इंटरमीडिएट बनेंगे कई इनके कुछ इनसे फेयर कलर का होगा फिर और फेयर कलर का होगा फिर और फेयर कलर, कलर का होगा फिर जाकर जो है वो एलबिन होंगे तो so इंटरमीडिएट बनते इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिविजुअल विद बोथ द डोमिनेंट ट्रेड्स आर मोर कॉमन बोथ दो डोमिनेंट ट्रेड वाले को मोर कॉमन नहीं होते गलत है स्पिंडल सेप स्टोग्राम कैन बी फॉर्म स्पिंडल सेप नहीं बनता बेल सेप जो है वो उसमें बनेगा स्टोग्राम जो बनेगा इनका वो बेल सेप्ड बनेगा समझ गए तो बेल सेप्ड स्टोग्राम बनता है इस टाइप से स्टोग्राम बनेगा इनका इस से स्ट्रोग्राम बनेगा ना कि स्पिंडल से क्लियर तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है तो सही जो है वो करेक्ट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर 120 व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ ए प्लांट व्हाट वुड बी हाइट ऑफ ए प्लांट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज हाइट्स आर 24 फोर फीट्स एंड 12 फिट्स रेस्पेक्टिवली अब इनके अंदर जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट जो है वो कम मानेंगे देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये यहाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है अब इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक तो सपोज ये प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है एक ये प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है दूसरे प्लांट का जीनोटाइप ये, जीनो ये है अब मैक्सिमम और मिनिमम इसमें क्या बताया है? इसकी हाइट ट्वेंटी फोर फीट और इसकी हाइट 12 फीट क्लियर इसमें सिक्स एलील है सिक्स के सिक्स एलील डोमिनेंट है ट्वेंटी फोर सिक्स रिसेसिव है, तो 12 फीट हाइट है क्लियर अब इसमें आप ये देखें कि इनके अंदर दोनों में एक डोमिनेंट एलील है उसमें कितनी हाइट को कोड करेगा वन डोमिनेंट एलील यानी सिक्स डोमिनेंट एलील अगर होते हैं तो सिक्स डोमिनेंट एलील होंगे तो कितनी हाइट को वो करेंगे सिक्स डोमिनेंट एलील है वो कितनी हाइट को कोड करें ट्वेल्व फीट हाइट को कोड करें क्योंकि तो सारे के सारे रेसेसिव है तो ट्वेल्व फीट है समझ गए तो वन डोमिनेंट एलील है वो कितनी हाइट को कोड करेगा इसके लिए क्या करोगे ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स सिक्स एलील हो गए ना तो क्या आ जाने चाहिए इसमें ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व तो ट्वेल्व बाई सिक्स इसका मतलब टू फीट हाइट जो है वो इसमें आ जाएगी इसका मतलब जो है वो क्या रहेगा इनमें टू फीट हाइट को जो है वो कोड कर रहा है यहाँ तो टू फीट हाइट को कोड कर रहा है कितना है? एक डोमिनेंट एलिन जीनोटाइप आपके पास क्या दे रखा है इसका आपको निकालना है इस जीनोटाइप में आप ये देखें क्या क्या है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी अब आपको इसमें डोमिनेंट देखने हैं कितने एलील है एक दो तीन चार फोर एलील डोमिनेंट है फोर एलील डोमिनेंट इट मीन्स फोर बाई टू एट फिट चार डोमिनेंट एलील है वो एट फीट को कोड कर रहे हैं अगर सारे के सारे रेसेसिव होते तो कितनी फिट थी सारे रेसेसिव में ट्वेल्व फिट तो ऐसी थी एट फिट इसमें और जुड़ गई एट फिट क्यों जुड़ गई क्योंकि चार डोमिनेंट एलील है इसलिए कितनी हो जाएगी इसकी हाइट ट्वेंटी फीट हाइट होगी इसकी करेक्ट तो आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा क्लियर तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो गया इसके बाद देखे वन ट्वेंटी ए बी द चाइल्ड इज सपोज टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप जो है भाई फादर का ब्लड ग्रुप ओ है इट मीन ए की कंडीशन है जीनोटाइप दोनों में एक एक की जीनोटाइप पॉसिबल है फादर का ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब है आई small स्मॉल आई स्मॉल आई मदर का ब्लड ग्रुप आई ए ए बी है तो आई ए आई बी ये हो गया अगली जो जनरेशन आएगी उसमें क्या क्या आ सकता है आई ए स्मॉल आई उसके बाद आई बी स्मॉल आई आई ए स्मॉल आई आई बी स्मॉल आई इनकी क्रॉस से ये प्रोजेनी आएगी क्या ब्लड ग्रुप है ए बी ए और बी तो ए और बी जो है ब्लड ग्रुप वही इनके अंदर जो है वो पॉसिबल रहेगा तो द चाइल्ड इज सपोज टू हैव विच ऑफ द फॉलोविंग ब्लड ग्रुप ए और बी ब्लड ग्रुप इसमें पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा वन ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एक्स लिंकड डिसऑर्डर जो है वो इनमें से कौन सा है सिकलशियल एनीमिया ओटोसोमल है कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड है सिस्टिक फाइक्रोसिस ऑटोसोमेल है एलबीनिज्म ऑटोसोमल है तो ये सब ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ये autosomal, ये सेक्स है, क्लियर तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 123, द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट इज नोन एज तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक सिंगल जीन है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो क्या कहेंगे एक जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करता हो तो प्लियोट्रोपी और एक फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल कई जीन हो तब उसको कहेंगे पोलिजेनिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है प्लियोट्रोपिक एंड पोलिजेनिक प्लियोट्रोपी का मतलब सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को शो करता हो एक्सप्रेस कर रहा हो प्लियोट्रोपी मल्टीपल जीन्स एक सिंगल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहेंगे उसको वो पोलिजेनिक होती है क्लियर करेक्ट आंसर जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट 124 मेंडल फोर मैंडल सेलेक्टेड पाई समाइव फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज क्या पॉसिबल कारण था इसका कि इसने क्यों किया था क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड शॉर्ट लाइफ स्पेन ये दोनों ही सही थे शॉर्ट लाइफ स्पेन भी थी और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो है उनको बिना किसी अपरेटर्स के ईजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था

कि इनमें दो प्लांट्स है उन दो प्लांट्स के बीच क्रॉस करवाया दो पादपों के संकरण से प्राप्त संततियों में एक विशेष लक्षण के लिए थ्री रेशियो वन का अनुपात प्राप्त तो होता है इसका क्या अर्थ है? पहला, पेरेंट्स वर ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स वर ट्रू ब्रीडिंग फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड गलत है पेरेंट्स जो है वो ट्रू ब्रीडिंग फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थ्री रेशियो वन का रेशियो अगर आ रहा है इसका मतलब जो है वो क्या हो गया कि वो दोनों हेट्रोजाइगस है तो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है बोथ द पेरेंट्स फॉर हेट्रोजाइगस फॉर ए सिंगल ट्रेट ये करेक्ट है कि हेट्रोजाइगस है इसलिए थ्री रेशियो वन का आ रहा है ये कंडीशन जो है वो है इस कारण से रेशियो क्या आ रहा है थ्री रेशियो वन का आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये थ्री रेशियो वन ये कब आ रहा है जब दोनों पेरेंट जो है वो कैसे हैं हेट्रोजाइगस पेरेंट है तब ये कंडीशन आ रही है क्लियर आता इसके बाद ये ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स हैज ए नो गलत है ईच ऑफ स्प्रिंग हैज द सेम एल फॉर ईच ऑफ द टू ट्रेड्स ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा वन इन द क्रॉस ए ए बी बी वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द जीनो टाइप ए ए बी बी अब इनके अंदर भी क्या करना आपको दोनों में अलग अलग जो है वो जीनोटाइप को लेके और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको इसका क्रॉस देखना है ए ए बी बी है ये हो गया दूसरा इसका क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल इज कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी इनके साथ क्रॉस करवाएं अब इनके अंदर जो है वो पहले आप इन दोनों के मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी ले लें तो मोनो हाइब्रिड के निकालना क्या आपको ऐसी प्रोजेनी निकालनी है तो मोनो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी आप लोगे तो इनका क्रॉस करवाओगे तो क्या आएंगे कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल आ गया ये क्रॉस जो है वो आप इसके लिए करवाओ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस करवाया कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी क्लियर आक आपको कौन सा रेशियो लेना है ये जीनो लेना है तो इस Genotype वाले इसमें ए ए वाले फोर में से वन तो वन बाई फोर कैपिटल बी कैपिटल बी वाले वन बाई फोर क्या आ जाएगा वन बाई सिक्सटीन जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी वन बाई सिक्सटीन आ जाएगी नेक्स्ट बोथ हजबेंड एंड वाइफ हैजबेंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो दे फादर वर कलर ब्लाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज फादर दोनों के ही कलर ब्लाइंड है तो फादर अगर कलर ब्लाइंड है दोनों के तो मेल के अंदर तो क्या कंडीशन रहेगी फादर कलर ब्लाइंड था तो वो अपने जो जीन है कलर ब्लाइंड वाली वो किस में भेजेगा फीमेल में भेजेगा सुने फीमेल प्रोजेनि में डोटर में भेजेगा इसका मतलब जो मेल है वो कैसा रहेगा इसका ये नॉर्मल रहेगा मदर है वो कैसी है नॉर्मल विजन वाली है लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड है इट मींस वो क्या है कैरियर है इसके लिए उसके लिए कैरियर है अब अगली क्रॉस इनमें करवाओगे तो क्या आएगा एक्स सी एक्स उसके बाद एक्स एक्स उसके बाद है एक्स सी वाई और एक्स वाई क्लियर एक्स सी वाई और एक्स वाई ये हो गया ये इनके अंदर जो है वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी अब इनमें आप देखो ये कैरियर डॉटर नॉर्मल डॉटर ये कैसा हो जाएगा कलर ब्लाइंड मेल कलर ब्लाइंड सन ये नॉर्मल सन तो ये नॉर्मल है कैरियर वो भी नॉर्मल ही है और ये भी नॉर्मल है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड डॉटर जो है वो इनमें से कौन सी आ आ रही रही है कोई कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं आ रही. एक ही आ रही है वो भी कैसी है कैरियर है जो नॉर्मल करेगी अपना क्लियर तो इसका मतलब कलर ब्लाइंड डॉटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी जीरो परसेंट रहेगी इसकी क्लियर वन ट्वेंटी एट ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड एंड अदर हैंग एट सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड प्रोड्यूस्ड एफ वन हाइब्रिड्स ऑल हैविंग टेन सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड्स दिस इज ए केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका केस रहेगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया ये क्योंकि एक बात आप ध्यान रखें कौन से प्लांट है ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग वाला एट सेंटीमीटर लॉन्ग वाला है एफ वन जो आ रही है वो दोनों से सेपरेट आ रही है दोनों से डिफरेंट आ रही है तो दोनों से डिफरेंट आ रही है वो कितनी टेन सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड वाली आ रही है तो ना तो इस पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है ना इस पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है इसका मतलब जो है वो क्या गया एक नया कैरेक्टर जो है वो इसमें आ रहा है टेन सेंटीमीटर जो है उसकी आ रही है तो किस टाइप की होगी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें 129, 129 में है ट्वेंटी आर नेवर हाइब्रिड्स दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मैंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो ये लोफ सेग्रीगेशन को शो कर रहा है कि गैमिट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते गैमिट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होने का मतलब जो है वो क्या रहेगा जैसे मान लो कोई कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वहाँ वो एक दूसरे की ब्लेंडिंग नहीं कर रहे दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे तो गैमिट का जब गेमिट की फॉर्मेशन हो रही है तो दोनों एलिल्स अपने आप में सेग्रीगेट होकर एक प्रॉपर एक स्पेशल ट्रेड के लिए जो है वो क्या हो जाएंगे स्पेशल ट्रेड के लिए प्योर हो जाते हैं क्लियर इसलिए वो क्या है ये इनमें सेग्रीगेशन के लोग को एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है 130, पॉपुलेशन ऑफ एट हंड्रेड एफ टू इंडिविजुअलो एंड राउंड डोमिनेंट येल्लो एंड राउंड कैपिटल वाई बाई कैपिटल आर आर येल्लो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड स्मॉल बाई स्मॉल बाई स्मॉल आर स्मॉल आर एंड ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट्स द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स वुड भी ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स के नंबर जो है वो आपको निकालने है। तो ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स जो आएंगे वो आपको ध्यान है भाई इस रेशियो में डाईब्रिड क्रॉस है डाईब्रिड क्रॉस के अंदर जो है वो अपने को क्या देखना है डाईब्रिड क्रॉस है उसमें फिनो टाइप के अकॉर्डिंग देखना है ग्रीन एंड रिंकल्ड कितने आएंगे तो क्या रेशियो होता है रेशियो फिनोटिपिक होता है वन थ्री थ्री वन तो इनमें से ग्रीन एंड रिंकल्ड कौन से हैं ये वन ग्रीन एंड रिंकल्ड आते हैं ये आपको ध्यान है ये इनके अंदर जो है वो कैसे रहेंगे राउंड एंड येलो ये येलो राउंड ये येलो रिंकल्ड ये ग्रीन येलो ये इसमें ग्रीन राउंड और ये ग्रीन एंड रिंकल्ड तो ग्रीन एंड रिंकल्ड वन है कितने में से सिक्सटीन में से तो ये इनमें एट हंड्रेड आ रहे हैं तो इसमें कितने आ जाएंगे फिफ्टी आ जाएंगे तो ये इनके अंदर फिफ्टी जाएंगे फिफ्टी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें वन थर्टी वन ए प्लांट एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स ए प्लांट एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिनोटाइप एंड देयर टेशन इज बेलसेप्डेंस ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फिनोटाइप अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो जनरली कब बनते हैं जब पोलिजेनिक इनहरिटेंस होती है क्लियर इंटरमीडिएट कब बनेंगे जब पोलिजेनिक इनहरिटेंस हो रही हो तो ये और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होता well हो है बेलसेप्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब वो किसको शो करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा इसका क्लियर उसके बाद देखें वन थर्टी टू इनहेरिटेंस चीजें इनहेरिटेंस क्या है द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पासड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी ये पेरेंट्स से जो है वो प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर्स का पास होना वही क्या होता है इनमें उसी प्रोसेस को कहेंगे इनहेरिटेंस करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा उसके बाद थर्टी थ्री वन थर्टी थ्री द रेशियो वन 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 इज़ एक्सपेक्टेड एज ए रिज़ल्ट ऑफ किसका रिजल्ट अभी वन 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 का रेशियो जो आ रहा है तो ये रेशियो बैक क्रॉस के लिए आता है अब बैक क्रॉस के लिए दो तरीके से होता है कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बैक क्रॉस लेना हो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए बैक क्रॉस जो आता है उसका रेशियो जो आता है वन रेशियो वन और डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसके लिए क्या जाएगा डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस के लिए रेशियो आ जाएगा वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन ये इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें फोर्थ हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वन थर्टी फोर वन थर्टी है इन फ्रूट फ्लाई वन इसमें दिया हुआ है इन फ्रूट फ्लाइज़

फ्लाइज अच्छा मोनोहाइब्रिड क्रोस है ये मोनोहाइब्रिड क्रोस के अकॉर्डिंग ये 192 ऑफ स्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड ऑफ कोर्स ऑफ दीज 101 हैड लॉन्ग विंग्स एंड 91 हैड वेस्टिजियल विंग्स इनमें से टोटल 192 में से लॉन्ग विंग वाले कितने आ रहे हैं 101 आ रहे हैं और वेस्टिजियल विंग वाले आ रहे हैं 91 इफ एन एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो हैड लॉन्ग विंग इज डोमेंट टू वेस्टिजियल विंग वैनगस लॉन्ग विंग हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग का मतलब जो है वो क्या रहेगा कैसे शो कर सकते हैं इस टाइप से

तो हाइब्रिड के टेस्ट क्रोस का जो रेशियो आता है वो क्या आता है one ratio, one आता है इक्वल आएंगे तो इसका मतलब जो है वो क्या आना चाहिए ये भी लॉन्ग विंग भी नाइनटी सिक्स और ये भी नाइनटी सिक्स आना चाहिए तो सेकेंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें वन थर्टी फाइव मैंडल्स इंडिपेंडेंट असोटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन जब वो जीन्स क्लोजली जो है वो अटैच होते हों किस पर सेम क्रोमोजोम पर अगर प्रेजेंट हो तभी ये उस पर अप्लाई हो सकता है बाकी पे नहीं हो सकता क्लियर तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट उसके बाद आप देखें 136 136 है इफ मैप मैप डिस्टेंस कितनी रखिए इफ मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन्स पी एंड क्यू इज फोर यूनिट्स बिटवीन पी एंड आर इज इलेवन यूनिट एंड बिटवीन क्यू एंड आर इज सेवन यूनिट द ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन द लिंकेज मैप कैन बी ट्रेस फॉलोज किस तरीके से लिंकेज मैप बनेगा इसका तो इनके अंदर सबसे पहले डिस्टेंस जो है वो किसकी कम है पी और क्यू की डिस्टेंस कम है तो सबसे पहले जो है वह आपको पी और क्यू एक तो क्या बनाओगे इसमें लिंकेज मैप जो है या इसमें एक क्रोमोसोम मैप तैयार करेंगे जिसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन है वो क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करती है इसमें सबसे कम डिस्टेंस वाले कौन से जीन है तो और दूसरी जीन क्यू जीन होगी अब पी और जीन क्यू जीन है उसके बीच में कितनी मैप यूनिट की डिस्टेंस है फोर मैप यूनिट की डिस्टेंस है उसके बाद दे रखा है P और R जो है वो 11 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, तो P और R जो है वो सपोज दैट 11 यूनिट्स है, वो दे रखी है, तो P और R 11 यूनिट्स Q और R जो है वो कितनी दे रखी है? Q और R 7 यूनिट्स इनके बीच जो है वो 7 यूनिट्स की डिस्टेंस होगी तो इनके बीच 7 यूनिट्स की डिस्टेंस हो गई इसका मतलब ये देख रहे हो आप P से R तक जो है वो सेवन और फोर इलेवन यूनिट्स तो ये इसमें क्या सिक्वेंस आ जाएगी पी क्यू आर ये सिक्वेंस हो जाएगी इसमें थर्ड हो जाएगी पी क्यू आर इसमें भी दे रखा है लेकिन आपको ध्यान है भी मैप यूनिट जो है उसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये बीच में नहीं आएगा कहा थोड़ा सा पी के पास है इस मीन्स ये क्लोजली लिंक्ड जीन्स है और ये एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंट जीन है क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें 137, 137 में मैच द कोलम कॉलम मैचिंग जो है वो उसमें अगर हम देखें तो मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो मैचिंग करवानी है इनमें तो मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम देखें तो ग्रेगर जॉन मैंडल वंशागति के सिद्धांत इसके साथ मैच करेगा सट्टन एंड बोवेरी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हैंकिंग एक्स बॉडी की खोज की थी और मॉर्गन ड्रोसोफिला पर काम किया था तो क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सेकंड थर्ड इसमें सेकंड फर्स्ट उसके बाद फोर्थ एंड थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका क्लियर इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट वन थर्टी एट में क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट 138 में दिया हुआ ए कपल हैज सिक्स डॉटर्स व्हाट इज द प्रोसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग ए गर्ल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम के अंदर उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ध्यान होगा भी आपको हर बार गर्ल और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है वन बाई टू होती है तो वन बाई टू होती है क्योंकि डिपेंड किस पे करता है मेल के गैमेट्स पर डिपेंड करता है कि वो अक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट फ्यूज हो रहा है या वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट फ्यूज हो रहा है तो वो कितनी होती है प्रोबेबिलिटीज की वन बाई टू होती है तो फिफ्टी परसेंट जो है वो इसके गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी क्लियर तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद देखें वन थर्टी नाइन इन द फॉलोइंग पैटेगरी चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज सेडेड ब्लैक म्यूटेंट ट्रेट को ब्लैक सेडेड से शो कर रखा है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो कौन सी है तो इसमें आप देख सकते हो भाई ये फर्स्ट है ये सेकेंड जनरेशन है और ये इसकी थर्ड जनरेशन है तो इनके अंदर जो है वो अगर हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई इफेक्टेड आ रहा हो इसका मतलब होती है रेट किसी जनरेशन में इफेक्टेड आ रहा है किसी में इफेक्टेड नहीं आ रहा है इसका मतलब वो रिस है इसमें आप देख रहे हो कि यहां फर्स्ट जनरेशन में अनफेक्टेड सारे उसके बाद भी सेकेंड जनरेशन में इफेक्टेड आ रहे हैं थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड आ रहे हैं इसका मतलब ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये तो हंड्रेड परसेंट हो गया है कि रिसेसिव ट्रेट है क्लियर यहाँ तक ये रिसेसिव ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट में भी कैसी सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है अगर ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चल रही हो तब तो सेक्स लिंक्ड है और अगर ये रैंडम इनहेरिटेंस चल रही हो मेल और फीमेल दोनों ही एक जनरेशन में अफेक्टेड आ रहे हो तब उस कंडीशन में क्या होती है वो ऑटोसोमल होती है तो ये यहाँ जो है वो क्या है रेसेसिव ट्रेट हो गई एक तो क्योंकि तो इसमें नहीं है इसमें अफेक्टेड आ रही है डेसेसिव ट्रेट है. है और उसके साथ साथ कैसी है सेक्स लिंक्ड जो है वो ट्रेट हो गई तो थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर अब उसके बाद आप देखें वन फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज ऑटोसोमल डिजीज का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है हीमोफीलिया जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है बाकी ये भी ऑटोसोमल है ये भी ऑटोसोमल है ये भी ऑटोसोमल है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हीमोफीलिया जो किस टाइप की होती है ये लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें क्या है फर्स्ट जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर तो इसमें ये 140 हो गए इसके बाद अब देखें क्वेश्चन नंबर 141 मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन इसके लिए तो पहले मैचिंग करेंगे तो कॉलम मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बताएंगे सबसे पहले जैसे नॉर्मल वुमेन है उसमें कितने क्रोमोजोम पॉसिबल है नॉर्मल वुमेन में 46 सिक्स क्लाइन फिल्टर में ज्ञान अभी ट्राइसोमी हो जाती है सेक्स क्रोमोजोम में तो एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा जाएगा तो कितने हो जाएंगे 47 टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोजोम की कमी होती है क्या जाएंगे 45 फाइव साइपाइसम सिटाइबम के अंदर क्रोमोजोम नंबर है वो फोर्टीन होते हैं क्लियर तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगा थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर अब उसके बाद 142 फाइंड आउट द मिसमेस्ड पेयर इनमें से मिसमेस्ड पेयर जो है उसको आपको छांटना है तो मिसमेस्ड पेयर का मतलब हिमोफीलिया सेक्स लिंक्ड इन रिसेंटेंस है और वो भी रेसेसिव ट्रेट है सही है हिमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है एक्स लिंक इनहेरिटेंस होती है और रेसेसिव ट्रेट है तो फर्स्ट करेक्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल है ये भी करेक्ट है डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है ट्वेंटी फर्स्ट पेयर में ट्राइसोमी होती है ये भी करेक्ट है फोर्टी सेवन क्रोमोजोम हो जाएंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम में फोर्टी फाइव क्रोमोसोम होते हैं ट्राइसोमिन ट्वेंटी थर्ड पेयर नहीं होती क्या होती है इनमें मोनोसोमी होती है और मोनोसोमी के कारण जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं और कौन से पेयर में होगी

फर्स्ट दे रखा है इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल सही है ये नोट करेक्ट पूछा है तो ये इसमें करेक्ट है कि ये मेल के अंदर जो है वो मोर कॉमन होता है क्योंकि तो फीमेल में तो तभी पॉसिबल है जब दोनों एक्स क्रोमोजोम पर वो जीन प्रेजेंट हो और मेल में क्या होता है एक पे आते ही जो है वो क्या हो जाएगा वो कलर ब्लाइंड हो, 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 हो जाएगा दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन फीमेल ये भी करेक्ट है कि फीमेल में कब पॉसिबल है ये दोनों पर अगर आएगी होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो ही कलर ब्लाइंड होगी एक पे अगर आती है तो क्या रहेगी वो कैरियर होती है मेल्स कैन बी कैरियर ऑफ द ट्रेट मेल कभी भी इस ट्रेट के लिए कैरियर नहीं होता मेल में एक एक्स क्रोमोजोम पे आते ही क्योंकि क्या वो हेमीजाइगस कंडीशन है वो समझ गए ना ये हेमीजाइगस कंडीशन है एक एक्स क्रोमोजोम पे आते ही वो क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस करेगा इस पे एक पे जिसमें जो है वो एक्स क्रोमोज़ोम पे आएंगी तो एक्सप्रेस कर सकता है कलर ब्लाइंड वुमेन ऑलवेज हैव कलर ब्लाइंड फादर एंड ऑलवेज प्रोड्यूस कलर ब्लाइंड सन कलर ब्लाइंड फीमेल कब पॉसिबल है जब उसका फादर भी कलर ब्लाइंड हो तभी वो कलर ब्लाइंड हो सकती है हैव कलर ब्लाइंड फादर एंड ऑलवेज प्रोड्यूस कलर ब्लाइंड सन ये भी करेक्ट है वो हमेशा कलर ब्लाइंड सन को ही प्रोड्यूस करेगी ठीक है ये इसमें क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया इसके बाद आप देखें इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटेमिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन ग्लुटेमिक एसिड है वो किससे रिप्लेस हो जाता है वेलिन से रिप्लेस हो जाता है ग्लूटेमिक एसिड का जो है वो क्या होता है कोडोन होता है जीए जी और ये वेलिन से रिप्लेस हो जाता है रिप्लेस्ड बाई वेलिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स फॉर वेलिन वेलिन के लिए इनमें से कौन सा ट्रिपलेट कोडोन होता है जी यू जी जो है वो उसके लिए ट्रिपलेट कोडोन होता है एसिड के लिए जीए जी और वेलिन के लिए जो है वो जी है वो इसका कोडोन होता है इसका क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखें 145 फोर्टी फाइव पर्सन एविंग जीनोटाइप आई ए आई बी पर्सन में इसके अंदर जीनो टाइप क्या है आई ए आई बी जो है वो इसका जीनो टाइप है शो द ब्लड ग्रुप एज ए बी आई ए और आई बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ये जीनोटाइप है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा ए बी ब्लड ग्रुप आएगा इसका मतलब आई ए जो जी एलील है वो क्या बना रही है उसमें आई ए एलील है वो एक शुगर बनाएगी इनके अंदर एंटीजन ए और आई बी वाली जो एलील है वो भी एंटीजन बना रही है बी तो दोनों ए और बी एंटीजन एक साथ बन रही हैं, और उसके कारण उसमें ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो रहा है ए बी इसका मतलब दोनों पेरेंट के एक साथ कैरेक्टर अगली जनरेशन में आ जाते हो तो क्या कहेंगे उसको कोडोमिनेंस तो किसका एग्जाम्पल हो सकता है ये इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका सेकेंड आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर तो ये इनके अंदर जो है वो आपने देखा है ये सारे क्वेश्चनों के आपके आंसर हो गए क्लियर ओके बाय